आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पेंशनर्स एसोसिएशन का सम्मेलन संपन्न, विधायक को सौंपा ज्ञापन, शासन से मांग पूरी करवाने का दिलाया विधायक ने भरोसा। सनावत नगर के शासकीय विभागों से सेवारत प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन की शाखा का एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें पेंशनर्स ने अपनी मांगों के संबंध में विधायक को ज्ञापन दिया, जिसमें पेंशनर्स की मांग को पूरा करवाने का भरोसा विधायक ने दिलाया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधायक सचिन बिरला, अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुकुंद सिंह सिसोदिया ने की। विशेष अतिथि के रूप में एसोसिएशन के प्रांतीय संगठन मंत्री एजे खान, संगठन सचिव मनमोहन जोशी, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक जीवनलाल इंगला, बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक आलोक मिश्रा उपस्थित थे। विधायक बिरला ने सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित पेंशनर्स को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन विधायक को सौंपा। ज्ञापन में शासन से मांग की गई कि केंद्र एवं अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को भी 50% की दर से महंगाई राहत दी जाए। वर्तमान में 46% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रभावी धारा 49 को अविलंब समाप्त किया जाए, क्योंकि वर्तमान में धारा 49 को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की अविवाहित, विधवा और परित्यक्त पुत्रियों को आजीवन थर्ड पार्टी परिवार पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए। आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को स्कूली शिक्षा विभाग के शिक्षकों की तरह वेतनमान दिया जाए। शिक्षकों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कर भुगतान किया जाए। विधायक ने कहा, धारा 49 को हटाने के लिए विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। विधायक ने आश्वस्त किया कि पेंशनर्स के सभी मांगों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र प्रेषित किया जाएगा। विधायक ने कहा कि सनावद और बड़वाह के पेंशनर्स एसोसिएशन की शाखाओं के कार्यालय हेतु एनवीडीए विभाग से भवन आवंटित करवाए जाएंगे और विधायक निधि से पेंशन कार्यालयों का रंग रोगन कर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल अजमेरा, संजय राठौड़, पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष कृष्णराव पगारे, सचिव सुरेश अत्रे, कोषाध्यक्ष हाकिम सिंह कुशवाहा, यशवंत कर्मा बड़वाह, अनिल अवस्थी झिरनिया, किशोर बिरले, जेटी बिरले, सनावत सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष धन्नालाल चौधरी, धवल और आभार प्रदर्शन बलराम पगारे ने किया। हमारे वृद्धजन, हमारे परिवार के, वो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपना पूरा समय सरकार की सेवा में दिया, सेवा के माध्यम से उन्होंने अपने आप को और परिवार के साथ समाज को बहुत कुछ देने का निर्णय लिया। पूरा जीवन देते हुए आज उनकी मांगों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनकी मांगे हमने सुनी और उनके निर्णय और आश्वासन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को एक पत्राचार भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से इनकी सारी मांगे पूर्ण हो, ऐसे भाव आज इस अवसर पर व्यक्त भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी मांग थी इनकी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब इकट्ठा था, धारा 49 लगाई थी, उसको अविलंब समाप्त करने की मांग एक बड़ी थी। बहुत सारी मांगे हैं, मैं वाचन करूँगा समय लगता है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं उनको हम सब पूरा करवाएंगे। आज इस अवसर पर मैंने सभी हमारे बुजुर्ग गणों को, परिवार के हमारे दादाओं को, सबका आशीर्वाद भी लिया और ये मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया।